चलिए रुख करेंगे हिमाचल राउंडअप का। नालागढ़ के सनिट गांव के एक घर में बच्चा चोर गिरोह ने घर में घुसकर बच्चा चोरी करने की कोशिश की और इस दौरान इस गिरोह ने परिवार पर तेज धार हथियार से हमला भी किया, जिसके बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। लोग रात भर जाग कर पहरा देते रहे। स्मार्ट सिटी, धर्मशाला का पानी और सीवरेज प्लान अब वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शिमला जल प्रबंधन देखेगा। इसके तहत वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते पेयजल और सीवरेज की समस्या का समाधान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त प्रदेश की अन्य नगर पार्षदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। माजरा साहिब में पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ सख्ती अपनाए हुए हैं। माजरा पुलिस ने एक टीम का गठन किया है, जिससे नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। श्री नैना देवी में युवा सेवाएं और खेल विभाग बिलासपुर के युवा कार्य शिविर का समापन हुआ। नाहन में स्वर्ग धाम में पार्किंग बनेगी। नाहन के एक निजी होटल में रोटरी क्लब की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नव नियुक्त प्रधान ने कहा कि स्वर्गधाम में पार्किंग बनाना उनकी प्राथमिकता के प्रोजेक्ट में सबसे पहले है। स्वर्गधाम में 40-50 गाड़ियों के लिए पार्किंग के साथ साथ शौचालय और बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। कुल्लू के ढालपुर में विश्व स्तनपान दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं को 6 महीने तक बच्चों को केवल स्तनपान कराने की जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान हेल्दी बेबी शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें हेल्दी बेबी का पुरस्कार शशांक ने जीता। शिमला में बारिश से लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल अब बारिश के बाद भूस्खलन होना शुरू हो गया। शिमला के मोहली में अचानक से एक मकान पर दंगा गिर गया, जिससे मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। पांवटा साहिब में वन विभाग की टीम ने जंगल से 4000 लीटर अवैध शराब बरामद की है और उसे नष्ट किया। साथ ही साथ जंगल में चल रही 9 भट्टियों को भी बंद किया गया। हालांकि इस दौरान जंगल में मौजूद शराब माफिया मौके से फरार हो गए। कुल्लू में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता इंदु पटियाला ने पीसी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में नए सिरे से लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विरोधी काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे हिमाचल में नशे के खिलाफ काला जादू गाना लोगों को जागरूक करेगा। इस गाने को मंडी की सोच संस्था के MD राजा सिंह मल्होत्रा ने रिलीज किया है, जिसे मंडी निवासी विशाल भारद्वाज ने लिखा है और गाया है। धर्मशाला में नगर निगम अधिकारियों ने बैठक की। वहीं इस बैठक में शहर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही समस्याओं से निपटने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया। श्री नैना देवी में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। बारिश से कहीं लोगों को राहत मिली तो कहीं लोगों का जीना दुश्वार हो गया। आपको बता दें कि स्वार घाट में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिससे फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।